निर्विरोध चुने गए पंचायत के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया था और ऐसी पंचायतों को समरस पंचायत घोषित किया गया है। लेकिन ऐसी ही समरस पंचायत की चुनी गई सरपंच पति के ऊपर इनामी तस्कर ने मारपीट की, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसका विरोध करते हुए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल मामला रीवा जनपद पंचायत के करहिया ग्राम पंचायत का है, जहां विगत दिनों क्षेत्र का नामी कोरे से तस्कर बुच्ची साहू और कल्लू सिंह ने नव निर्वाचित सरपंच रेखा रावत के पति मुकेश उर्फ भोले रावत और एक अन्य युवक के साथ मारपीट की थी। मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों अधीक्षक कार्यालय पहुँच कर ज्ञापन सौंपा है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बताया जाता है कि नव निर्वाचित सरपंच पति उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे, उसी समय सामने से एक युवती निकली जिसके साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी। इसी मामले को लेकर मारपीट हुई और जब सरपंच पति पीड़ित को लेकर थाना शिकायत दर्ज कराने जा रहा था, तभी उसे बुलाकर एक दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर घायल कर दिया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनते हैं पीड़ित और पूर्व सरपंच बबलू कुशवाहा ने क्या कहा है। नंबर एक मेरा गांव है, मेरी पत्नी निर्विरोध सरपंच हुई, एसटी सीट थी। हम भोपाल बुलाया गया, वहाँ सीएम साहब बुलाए हम लोग वहाँ गए। वहाँ सीएम साहब बोले जो पंच सरपंच चाहे जिला जनपद चाहे जो भी हो, अगर वो निर्विरोध सरपंच जो भी निर्विरोध चुने गए हैं उनकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी। ये लोग गांव, ये मेरे गांव का है लल्ली साकेत, ये साकेत बस्ती में ये लोग सब बैठे हुए थे, विजय साहू, कल्लू सिंह तो तीन लोग और थे गांव के, और ये बैठा था। फिर हमको भी बुला लिए, हम भी बैठे थे वहाँ पे। फिर एक लड़की निकली वहाँ से, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं था। फिर उस लड़की ने बोली सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं। हम कहे हाँ बेटा, आज नाग पंचमी है तो ये लोग बुला लिए, मेरा जन्मदिन भी है, मैं यहाँ बैठा था। तो वो उसको बोला इसको कि इसका ये क्या नाम है उसका, उमा। वो उसने बोला कि ये साली है मेरी उमा, ये मुझे चुम्मा देती है। तो ये बोला कि तुम से उसको साकेतिन को रखे हो तो सब तुम्हारी साली थोड़ी है, आप वो मेरी भतीजी उसको क्यों बोल रहे हो। तो ये उसके ऊपर शराब का बाटल उठा के इसकी मेरे सर पे, फिर इनका विवाद हुआ और मेरा कोई विवाद नहीं था। फिर इसने बोला मुझे कि चलिए आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। हम चुराटा थाना गए, थाने से जैसे पुलिया, थाना के बगल में पुलिया है पहले रोड में, मैं वहाँ पे मेरे पास बुच्ची फोन लगाया, कही सरपंच साहब आप रिपोर्ट मत लिखवाइए, हम समझौता करना चाहते हैं। हम बोले कि क्या समझौता करना चाहते हो तुम। उसने बोला कि गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर इससे मैं बोला कि वो माफ़ी मांगना चाहता, ये बोला कि नहीं सरपंच साहब वो मारी हमका, हम करना लीजिए अपना हुआ, हम कहना हमारी जिम्मेदारी लें, हम लय चली थे समझौता करो, हम ओके विश्वास में चले गए सर, हम रिकॉर्डिंग रख के हैं ओके बात के। फिर हम चले आए और जैसे हम जो हमारा पूर्व सरपंच बबलू चाचा कुशवाहा चाचा उनके ऑफिस में बुलाए, उनका क्या भाई यहाँ समझौता करवा दी, तो मना करत रहे, वीडियो है मेरे पास, तो हमको देखा एक मार डरते साहब, हम एक ऊपर लेट गिनते कि हमको कितना 50 लाठी मारी नहीं आप पा रहे हैं। बचाव कर रहे थे आपके साथ, बचाव कर रहे थे सर, सीसीटीवी में पूरा देख लीजिए आप लोग। अभी आप ने कहा उसको गिरफ्तार करवाते, 2 तारीख को हम उसको रिपोर्ट लिखवाए, 3 तारीख को उसने मुझे फोन लगा के अपने ही मोबाइल से उसने बोला कि हम जान से मर देंगे तुमको, इसमें पूरी रिकॉर्डिंग है जो बोला। क्या लगता है पुलिस अब तक क्यों गिरफ्तार? मुझे क्या पता सर, 3 तारीख को पूर्व सरपंच हूँ ग्राम पंचायत का रहिया नंबर 1 का। ये घटना जो नई सरपंच हुए हैं उनके सरपंच पति है भोले रावत, क्या जो घटना हुई मारपीट हुई लल्ली साकेत के साथ, इन्होंने जा रहे थे रिपोर्ट लिखवाने, और रिपोर्ट लिखवा के जब जा रहे थे थाने पहुंचे तो बुच्ची साहू है उसने कहा कि भैया आ जाओ वापस, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, समझौता करना चाहता हूं। तो ये सरपंच होने के नाते इन्होंने लौट आया और मेरे ऑफिस में बैठ गए, इन्होंने फ़ोन किया कि भैया मैं आ गया हूँ तो आ जाइए समझौता कर लीजिए। उन्होंने समझौता नहीं किया, सीधे आके लाठी से वार किया और इनका 4 दिन हो गए रिपोर्ट कर किए हुए,
लेकिन पुलिस प्रशासन भी चौराहा कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके पास इतना पैसा कि वो तस्कर है, कांग्रेस का तस्कर है, उसके पास इतनी ज़्यादा रुपए है, वो कहता मैं एसपी को खरीद लूँगा, कलेक्टर खरीद लूँगा, पूरे थाने का खरीद लूँगा, इसलिए कुछ इसके साथ कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई इनके साथ 5 दिन के अंदर नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा, ये मैं वादा करता हूँ और कहता हूँ पूरी जनता के साथ। अरे बहुत मरते के लिए प्यारे, अगर 3 दिन के अंदर मैं गिरफ्तार नहीं करवा पाता हूँ तो जो आपको करना होगा वो करिएगा आप। मारपीट हुई थी जिसमें चौराहा में अपराध पंजीबद्ध है, उनका ये आरोप था कि बुच्ची जो उसका आरोपी है उसको अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, ये मांग थी। पुलिस की टीम रवाना है और जल्दी ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सर उनको कहना है कि अगर से इस्तीफा दे देंगे, ये पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और बेहतर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे, ये उनका विषय है वो जाने, मेरे विषय का जो था अरेस्टिंग वो अरेस्टिंग हम लोग जल्दी ही उसको कर लेंगे। सर बताएगा, ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है, ये आएगा तो मैं आपको जानकारी दूंगा।